हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों मदुरई पैंथर्स वर्सेस आई ड्रीम तिरुपुर मैच के बारे में, जो कि रहेगा तमिलनाडु प्रीमियर लीग का मैच नंबर 27। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोनों ही टीम के प्लेयर स्टैट्स, टॉप पिक्स, डिफरेंशियल ऑप्शंस एंड कैप्टनशिप पिक्स, ताकि आपकी टीम आपके बाकी ओपोनेंट से बेहतर बन पाए। दोनों ही टीम का ये ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच रहेगा दोस्तों, और दोनों का ही ये सीजन बहुत खराब रहा है। मदुरई पैंथर्स की बात करें तो पॉइंट्स टेबल पे 5th नंबर पे बने हुए हैं दोस्तों, वहीं अगर आई ड्रीम त्रिपुर की बात करें तो 6th नंबर पे ये बने हुए हैं। अब आईटीटी का तो दोस्तों चांसेस नहीं है क्वालिफाई करने के, बट एसएमपी के चांसेस है क्वालिफाई करने के, और डू और डाई मैच रहेगा उनके लिए ये मैच। तो ये मैच जीत के उनके चांसेस बने रहेंगे क्वालिफाई करने के, तो ये पूरा दम लगाने वाले हैं ये मैच जीतने के लिए दोस्तों। अब बात कर लेते हैं ये मैच कहाँ होने वाला है, तो एक बार फिर से इंडियन सीमेंट कंपनी ग्राउंड तिरुनल वैली में ये मैच होने वाला है दोस्तों, जहाँ पे चेज करना बहुत मुश्किल रहता है। स्टैट्स आप देख सकते हो स्क्रीन पे। लास्ट 10 मैचेस की बात करें तो बैट फर्स्ट करने वाली टीम 10 में से 8 बार जीत चुकी है, और चेज करने वाली टीम सिर्फ 2 बार जीती है दोस्तों। और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करें लास्ट 10 मैचेस में तो 154 का रहा है यहाँ पे, तो लगभग 150-160 के अंदर ही आप यहाँ पे बनते हुए देख सकते हो, और डिफेंड करना भी आसान रहता है, तो उस हिसाब से हम अपनी टीम बनाएंगे। टॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो व्यू स्पोर्ट ऐप पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, टॉस के बाद भी चेक जरूर कर लेना। फिर बात करें दोस्तों पेस वर्सेस स्पिन स्टैट्स की इस वेन्यू पे, तो लगभग बराबर रहा है। ना पेसर्स ने ज्यादा विकेट लिए ना स्पिनर्स ने। लास्ट 131 विकेट जो गिरे हैं 10 मैचों में 61 पेसर्स ने निकाले हैं, और थोड़ा सा पलड़ा भारी रहा है स्पिनर्स का, 70 विकेट इन्होंने निकाले हैं। तो टीम में हमें बैलेंस बना के रखना है ऑलराउंडर्स, पेसर्स और स्पिनर्स का। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या रह सकती है दोनों टीमों की, तो मदुरई पैंथर्स की प्लेइंग 11 कुछ ये रह सकती है दोस्तों, अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 के साथ ही उतरेंगे, इनके लिए बहुत जीतना जरूरी है ये मैच। टीम की कैप्टनसी करते हुए दिख जाएंगे आपको एक बार फिर से सी हरि निशांत, और विकेट कीपिंग करते हुए दिखेंगे सुरेश लोकेश्वर। वहीं आईटीटी की प्लेइंग 11 कुछ इस तरीके से रह सकती है दोस्तों, जिसमें टीम की कैप्टनसी करते हुए दिख जाएंगे आपको एनएस चतुर्वेद, और विकेट कीपिंग करते हुए दिखेंगे तुषार रहेजा। अब इनकी प्लेइंग 11 में आपको अच्छे खासे चेंजेस होते हुए दिख सकते हैं, जिन प्लेयर्स को इन्होंने अभी तक मौका नहीं दिया है प्लेइंग 11 में उतरने का, तो उनको मौका दिया जा सकता है, तो अच्छे खासे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। उस हिसाब से स्लाइटली रिस्की रहेगा ये मैच। बाकी दोनों ही टीम के परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों इस सीजन में, रिकॉर्ड्स देख ले हम TNPL 2023 में, तो SMP के बैट्समैन की रिकॉर्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं टीम के लिए सी हरि निशांत ने दोस्तों, 134 रन बनाए हैं 6 इनिंग में। वहीं सेकंड नंबर पे स्टार प्लेयर वॉशिंगटन सुंदर का नाम आता है, 119 रन बनाए हैं 5 इनिंग में इन्होंने। बाकी प्लेयर्स का आप रिकॉर्ड देख सकते हो दोस्तों, इतना कुछ खास नहीं है। जे कौशिक का भी नाम आ जाता है जो कि ऑलराउंडर है टीम की तरफ से, और इतना कुछ इंप्रेस नहीं किया, शुरुआत के मैचेस में अच्छे रहे थे, बाद में डल होता हुआ दिखाया इनका परफॉर्मेंस। वहीं इनकी टीम के बॉलर्स की बात करें दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया है सबसे ज़्यादा विकेट लेकर गुरजपनीत सिंह ने दोस्तों, 6 इनिंग में 11 विकेट चटका चुके हैं। बैक टू बैक हर मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस रह रहा है इस प्लेयर का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका इस मैच में। सेकंड नंबर पे अजय कृष्णा का नाम आता है दोस्तों, इन्होंने भी खासा इंप्रेस किया है, 3 इनिंग में 6 विकेट लिए हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और थर्ड नंबर पे स्टार स्पिनर मुरुगन अश्विन का नाम आ जाता है, 6 विकेट चटकाए हैं इन्होंने 6 इनिंग में दोस्तों। वहीं फिर बात कर ले आईटीटी के बैट्समैन के रिकॉर्ड की दोस्तों, तो टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं तुषार रहेजा ने, 6 इनिंग में 144 रन बनाए हैं 24 के एवरेज के साथ। वहीं सेकंड नंबर पे राधाकृष्णन का नाम आ जाता है, 141 रन बनाए हैं इन्होंने 5 इनिंग में। थर्ड नंबर पे स्टार प्लेयर साई किशोर का नाम आ जाता है दोस्तों, 122 रन बनाए हैं इन्होंने 5 इनिंग में। फिर विजय शंकर भी है 4th नंबर पे, जितना बड़ा इनका नाम है उस हिसाब से इनका परफॉर्मेंस रहा नहीं है दोस्तों, बट स्टिल एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अच्छा एक्सपीरियंस है, इसको हम बैक जरूर करेंगे अपनी टीम में। वहीं आईटीटी के बॉलर्स के रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, तो इनकी टीम से बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा है, इंप्रेस किया है पी भुवनेश्वरन ने दोस्तों, 5 इनिंग में 13 विकेट चटका चुके हैं, बैक टू बैक हर मैच में दो तीन विकेट ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये पेसर रहेगा आपकी टीम में दोस्तों। सेकंड नंबर पे एक बार फिर से साई किशोर का नाम आ जाता है, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस किया है इन्होंने, 7 विकेट चटकाए हैं 6 इनिंग में दोस्तों। तो ये तो हो गया दोनों टीमों के इस सीजन का रिकॉर्ड, बाकी मैंने हेड टू हेड मैचअप्स का भी पूरा रिसर्च किया दोनों ही टीम का, बैट्समैन वर्सेस बॉलर्स पूरे स्टैट्स निकाले, बट इतना कुछ खास स्टैट्स किसी प्लेयर का नहीं निकला दोस्तों, 2-3 मैच से ज़्यादा नहीं खेले एक दूसरे के खिलाफ, इतने कुछ खास मैचअप्स थे नहीं, तो वो आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ मैं। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉप पिक्स पे, आज की फैंटेसी टीम में आपकी क्या टॉप पिक्स रहेगी दोनों ही टीमों की तरफ से। तो सबसे पहले मदुरई पैंथर्स की टॉप पिक्स की बात करें दोस्तों, तो सबसे ऊपर पहला नाम आ जाएगा वॉशिंगटन सुंदर का दोस्तों। लास्ट मैच में इन्होंने ओपनिंग करी, उससे पिछले मैचेस में 4th-5th नंबर पे या वन डाउन खेलते हुए दिख रहे थे, बट लास्ट मैच में ओपन किया है, हालांकि लास्ट मैच में फिर 14 ही रन बनाए इन्होंने,
और एक भी विकेट नहीं चटका पाए। बॉलिंग से फेल रहे हैं दोस्तों इस सीजन में। अगर इस सीजन के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो मात्र एक ही विकेट चटका पाए हैं, 119 रन हालांकि बनाए हैं इन्होंने। स्टिल टॉप पिक रहेगा दोस्तों मदुरई पैंथर्स की तरफ से। सेकंड नाम आ जाता है स्टार पेसर दोस्तों गुरजपनीत सिंह का, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट ये बॉलर है। लास्ट मैच में 2 विकेट चटकाए और टीम का टॉप बॉलर है दोस्तों, 11 विकेट चटका चुका है 6 मैच में। इनको तो कतई मिस हम नहीं करेंगे अपनी टीम में। सेकंड टॉपिक रहेगा ये मदुरई पैंथर्स की तरफ से। थर्ड टॉपिक की बात करें तो मुरुगन अश्विन आ जाता है दोस्तों, टीम का मेन स्पिनर। लास्ट मैच में ये विकेटलेस रहे थे बट प्लेयर में पोटेंशियल अच्छा है, आपने बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलते हुए देखा है इनको आईपीएल में भी। ओवरऑल परफॉर्मेंस इनका 6 विकेट रहा है 5 इनिंग में, बट स्टिल हम बैक करेंगे, टीम का मेन स्पिनर है ये। चौथा टॉपिक रहेगा दोस्तों टीम की तरफ से, टीम का बॉलिंग ऑलराउंडर स्वप्निल सिंह। अभी तक इस सीजन की बात करें तो 4 विकेट चटकाए हैं, 85 रन भी बनाए हैं, मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिखते हैं। फैंटेसी पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा आपकी टीम में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ITT की टॉप पिक्स के बारे में। तो सबसे पहला नाम निकल के आता है विजय शंकर का, टीम के ऑलराउंडर है दोस्तों। इनके बारे में मुझे ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है नहीं, बड़े लेवल का प्लेयर है, हालांकि बहुत ज़्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है, अपने नाम के बराबर परफॉर्मेंस नहीं रहा है, स्टिल एक इंपॉर्टेंट टीम प्लेयर है दोस्तों। ये टॉप पिक रहेगा आपके आज के मैच में। इस सीजन में 116 रन बनाए हैं इन्होंने, साथ में 3 विकेट भी चटकाए हैं। सेकंड डाउन बैटिंग करते हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा फैंटेसी पर्सपेक्टिव से। सेकंड टॉपिक की बात करें दोस्तों टीम का बॉलिंग ऑलराउंडर RSI किशोर का नाम आ जाता है। लास्ट मैच में 26 रन बनाए, विकेट नहीं निकाल पाए थे कोई, बट ओवरऑल 6 मैच की बात करें तो 7 विकेट चटका चुके हैं और 122 रन बनाए हैं। तो एक अच्छा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया है इन्होंने, उस हिसाब से टॉपिक बन जाएगा ये सेकंड ITT की तरफ से। थर्ड टॉपिक की बात करें दोस्तों तो इनके बारे में तो मतलब ज़्यादा भूलने का जरूरत ही नहीं है, हर मैच में ये बंदा सबसे ज़्यादा पॉइंट देके जा रहा है। टीम का मेन स्पिनर पी भुवनेश्वरन, लास्ट मैच में भी 3 विकेट चटकाए और 5 मैच में 13 विकेट चटका के टीम का टॉप बॉलर बना हुआ है दोस्तों। नो ब्रेनर ऑप्शन रहेगा ये टॉपिक आपकी टीम में। चौथा टॉपिक दोस्तों तुषार रहेजा रहेगा, टीम का ओपनर, लेफ्टी बैट्समैन है ये। अभी तक टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन इन्होंने ही बनाए हैं इस सीजन में, 144 रन बना चुके हैं, प्लस विकेट कीपिंग के एक्स्ट्रा पॉइंट भी ये देके जाते हैं। तो ये रहेगा चौथा टॉपिक ITT की तरफ से दोस्तों। अब बात कर लेते हैं डिफरेंशियल पिक्स की, तो 2 डिफरेंशियल पिक्स निकल के आती है दोस्तों इस मैच में, दोनों ही मदुरई पैंथर्स की तरफ से हैं। पहला एस लोकेश्वर दोस्तों, लास्ट मैच में 41 रन बनाए हैं, लास्ट 2-3 मैच से ही ये खेलते हुए दिख रहे हैं टीम में, विकेट कीपर चेंज हुआ था टीम का, एक्स्ट्रा विकेट कीपिंग पॉइंट्स भी देंगे, प्लस इनका फैंटेसी परसेंट सिलेक्शन बहुत कम है, इस वजह से एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल पिक बन के आता है ये आज के मैच में। सेकंड डिफरेंशियल पिक रहेगी दोस्तों जे कौशिक, प्लेयर अच्छा है, पोटेंशियल अच्छा है, शुरुआत के मैचेस में अच्छा रहा था परफॉर्मेंस, उसके बाद से डल होता गया, बट स्टिल फैंटेसी पर्सपेक्टिव से एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपकी टीम में डिफरेंशियल, जिसको बहुत लोग मिस करेंगे, बट हाँ ये आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स दिला सकता है दोस्तों ऑलराउंडर परफॉर्मेंस से। रिलायबल बैटिंग ऑलराउंडर है टीम का, 110 रन बना चुका है इस सीजन में, बॉलिंग में इतना कुछ खास नहीं रहा है, सिर्फ 1 विकेट चटकाया है, पार्ट टाइम बॉलिंग आती है इनकी, एक दो ओवर हर मैच में रहता है, तो जे कौशिक रहेगा सेकंड डिफरेंशियल पिक इस मैच में। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों सेफ कैप्टेंसी ऑप्शंस की, तो 3 नो ब्रेनर ऑप्शन निकल के आएंगे, RSI किशोर, वॉशिंगटन सुंदर और विजय शंकर दोस्तों। फैंटेसी पर्सपेक्टिव से इन तीनों से बेस्ट सेफ कैप्टेंसी ऑप्शन कोई है नहीं दोस्तों, इस मैच में 3 ही टॉप ऑप्शंस रहेंगे कैप्टेंसी पिक के लिए। वहीं डिफरेंशियल कैप्टनशिप की बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पे भी 3 नाम निकल के आते हैं इस मैच में, पी भुवनेश्वरन, गुरजपनीत सिंह और स्वप्निल सिंह। भुवनेश्वरन और गुरजपनीत सिंह तो दोनों अपनी अपनी बॉलिंग के लिए दोस्तों, क्योंकि कैप्टनशिप इनको कम लोग बनाने वाले हैं, अगर बॉलिंग फ्रेंडली ये मैच जाता है तो ये दोनों प्लेयर आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट देके जा सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल पिक ऑप्शन रहेंगे। स्वप्निल सिंह एक अच्छा ऑलराउंडर ऑप्शन है दोस्तों, जिसे बहुत कम लोगों ने ले रखा है अपनी फैंटेसी टीम में, तो 3 टॉप डिफरेंशियल कैप्टनशिप पिक रहेंगे दोस्तों आज के मैच में, ग्रैंड लीग में आप इनको ट्राई कर सकते हो। फिर बात कर ले दोस्तों फैंटेसी टीम क्या रहेगी इस मैच की, बेस्ट फैंटेसी टीम तो वो आपको मिल जाएगी दोस्तों व्यूस्पोर्ट ऐप पे, चेक जरूर करना लाइनअप्स आउट होने के बाद। अभी तक अगर आपने व्यूस्पोर्ट ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो डाउनलोड कर लो दोस्तों फटाफट से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, फुटबॉल के भी हर मैच के एनालिसिस एंड फैंटेसी टीम आपको व्यूस्पोर्ट ऐप पे मिलती है, तो डाउनलोड करके जरूर रखो दोस्तों। इस मैच प्रीव्यू में बस इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।